सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ तो जी केस सारी उम्र बैठना पड़े जी, तो पूरी शामले जाम कर देता हूँ। हाँ जी पूरी शामले जाम हो जाएगी जी। हाँ इच्छुक हो जाएगी, सारी शामले जाम होगी जी। किसान को तो सारी परेशानी है, खेत में खड़ा रहेगा वो भी परेशानी, घेरना घेरने की परेशानी बना के हम तो गए पैमिट दो और मिल चलवाओ। मध्यम वर्ग का गरीब किसान है यहाँ का, ये मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा, कोई शौक नहीं है। ट्रैक्टर ट्रोली लेकर रोड पर पैसा नहीं मिल रहा, हमें गन्ने का पेमिट नहीं मिल रहा, क्या करे मजबूर है। नहीं नहीं धरना ठेक क्या जी, मजबूर है, गन्ने का पेमिट दे दो और हम तो अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक है जी, कम रोड रोक के बस पेमिट हो जाओ, हम अपने घर चले जाएंगे। त्योहार है रे, त्योहार नहीं मन रे, डाकर चुकी फीस नहीं जा रही जी, बताओ के करे। यहाँ तो जी केस सारी उम्र बैठना पड़े जी, तो पूरी शामले जाम कर देता हूँ। हाँ जी पूरी शामले जाम हो जाएगी जी। हाँ इच्छुक हो जाएगी, सारी शामले जाम होगी जी। जाम ही करोगे? हाँ जी जाम ही करोगे। कब तक रखोगे जाम? ये तो जी पता नहीं कि जब तक हमारा पेमिट नहीं होता जी। दिन तक किसान लड़ाई लड़ रहा है, इस क्षेत्र के किसानों की बात नहीं मानने जा रही, तो इसके पीछे क्यों परेशान कर भाई बारानी? हमें तो यहाँ तो सब राजनीति मुद्दा बतावे, कोई सब है वोट दे, वे भी हमारे बीच में नहीं आते, सरकार हमारी बनाई हुई सब वे, पर हमारे पेमिट का कोई ध्यान नहीं करते। हम तो नेताओं से गए आओ और हमारा पेमिट करवा दो, घर चले जाओगे, हमें भी रास्ता पाओगा। हाँ गन्ना गेरने को भी रहा पाओगा, किसान को तो सारी परेशानी है, खेत में खड़ा रहेगा वो भी परेशानी, घेरने की परेशानी बना के हम तो गए पेमिट दो और मिल चलवाओ। अच्छा रोज बात हो रही प्रशासन की, किसानों की, मिल वालों की, तो कुछ रास्ता नहीं बैठ रहा क्या? कल भी गए थे, कल भी रास्ता नहीं बैठा, किसान बहुत झुक गए, 25-30 करोड़ रुपए पे भी तैयार हो गए थे और बढ़ा दो इनमें, उस पर भी नहीं मानना मिल वालों ने, तो फिर किसान के करो। कल वार्ता हुई थी किसानों ने, उसमें नरम रुख रखा, लेकिन शासन प्रशासन और मिल मालिकान अपनी हरदर्मी बाधा पर कायम रहे, आगे एक भी कदम नहीं बढ़ाते। तो धरने पर इसी वजह से रोड पर आप आके बैठे? अरे हमारा पैसा नहीं मिल रहा जी, लिए तो पक्का भुगतान के लिए बैठे हैं। आपको मैं कोई चीज़ भेज दी, आप मुझे पैसे दोगे क्या? हैं मुझे पैसा, मेरा घर नहीं है बाल। अच्छा हमारे यहाँ एक एकड़ का किसान है, एवरेज एक एकड़ का किसान का है, देखो एक एकड़ का किसान, उसकी फसल का दाम तो हम भर सके, कैसे अपनी घर को चलाएगा वो? कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाऊंगे? कैसे अपने पशु के लिए वो करेंगे खाने पीने का इंतजाम? कैसे हम जो है क्या नाम ले रहे हैं कपड़े का इंतजाम करेंगे? तो किसान जो है मध्यम वर्ग का गरीब किसान है यहाँ का, ये मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा, कोई शौक नहीं है। हमें तो बहुत काम है, मांग मान लिया चल दिए? नहीं नहीं अब क्या जो है वार्ता के लिए ऑफर आया है। अच्छा, तो वार्ता होगी अब क्या? तो देखो क्या निष्कर्ष निकलता है।